जय हिंद साथियों, पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी पर आपका स्वागत है। आज हम कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी यानी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके अभाव में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत पर होने वाली कोई भी चर्चा या कोई भी डिबेट अधूरी मानी जाती है। और ये कंसेप्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के अंत का। आज इसको बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चरण दर चरण समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो न केवल कंसेप्चुअल बल्कि फैक्चुअल स्तर पर भी आपकी समझ इस कंसेप्ट के बारे में बहुत स्पष्ट होने वाली है। तो हम बहुत बैकग्राउंड में जाके शुरू करते हैं। हम चलते हैं 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते होते जो विश्व है वो दो ध्रुवों में वैचारिक आधार पर बढ़ जाता है। एक तरफ अमेरिका है जो पूंजीवादी विचार प्रणाली का नेतृत्व करता है, दूसरी तरफ सोवियत संघ है जो मार्क्सिस्ट व्यू पर आधारित समाजवादी प्रणाली का नेतृत्व करता है। इसको हम यदि भौगोलिक दृष्टि से बांटें तो जो पूर्वी यूरोप है उस पर साम्यवादी व्यवस्था का शासन है, और जो पश्चिमी यूरोप है वहां पूंजीवादी व्यवस्था आधारित शासन है। पूंजीवादी जो गुट है उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और जो समाजवादी विचारधारा पर चलने वाला गुट है उसका नेतृत्व यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ कर रहा है। अब दोनों में एक वैचारिक संघर्ष है अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए। जो दूसरे देश हैं बाकी, जैसे नवोदित राष्ट्र हैं तृतीय विश्व के, उनको अपने वैचारिक प्रभाव में लेने के लिए, उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक वैचारिक संघर्ष है अपनी विचारधारा को, अपनी विचार प्रणाली को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। जो संघर्ष चला सतत रूप से, वैचारिक संघर्ष, उसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध का एक बड़ा प्रतीक बनी बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार को 13 अगस्त 1961 को एक तरीके से उसका इनॉग्रल किया गया। और उसका बनना इस बात का सूचक था, उसके उसमें हुआ क्या था कि बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है उसमें एक दीवार बनाई गई, और उस दीवार के माध्यम से भौतिक और वैचारिक दोनों आधारों पर जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ पूर्वी जर्मनी हो गया और दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी हो गया। पूर्वी जर्मनी में सोवियत संघ की विचारधारा पर आधारित समाजवादी शासन प्रणाली स्थापित की गई, और पश्चिमी जर्मनी में पूंजीवादी प्रणाली आई जिसका नेतृत्व मैंने बताया अमेरिका कर रहा था। तो बर्लिन की दीवार बनी और धीरे धीरे ये संघर्ष जो है और अधिक तीव्र होता चला गया। 1962 में ही हम लोगों ने क्यूबा संकट देखा। वो एक बड़ा संकट था जहां पर तो ये आशंका जताई गई थी कि तृतीय विश्व भी होने वाला है जिसमें एटॉमिक पावर्स का प्रयोग किया जा सकता है दोबारा से। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। दोनों जो नेतृत्वकर्ता थे उस समय अमेरिका के और सोवियत संघ के, उन्होंने आपसी समझ से इस मसले को हल कर लिया। तो ये दोनों ही प्रणालियां चली आ रही थी। समाजवादी प्रणाली, आपको पता होगा कि पहली बार 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, उसके द्वारा अस्तित्व में आई थी इन प्रैक्टिस, है ना, जिसका विचार जो है मार्क्स ने दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1980 के दशक तक आते हुए, 1985 तक पहुंचते हुए जो समाजवादी प्रणालियां हैं उसमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, और कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं उनमें एक असंतोष की भावना भी पनपी। और 1985 में आपको पता होगा कि सोवियत संघ के प्रमुख थे मिखाइल गोरबाचौव, और उन्होंने दो नीतियां शुरू की, दो नए कार्यक्रम शुरू किए। एक था ग्लासनोस्त और दूसरा था पेरेस्त्राइका। ग्लासनोस्त के माध्यम से जहां सोवियत संघ की प्रणाली में कुछ खुलापन लाने की कोशिश की गई, उसके उसमें कुछ जो सूचनाएं हैं उनका प्रवाह सुनिश्चित किया गया। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लोग भी जाने, और लोग क्या चाहते हैं ये पॉलिटिकल सिस्टम जाने, ये व्यवस्था शुरू की गई। और पेरेस्त्राइका के माध्यम से जो व्यवस्था थी उसमें पुनर्निर्माण की कुछ कोशिशें की गई, और परिणाम ये हुआ कि 1991 तक आते आते सोवियत संघ का विघटन हो गया, और वहां पर जो समाजवादी प्रणाली थी उसका एक तरीके से अंत हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा पहले लौटते हैं। जो बर्लिन की दीवार है उसको 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया, और बर्लिन की दीवार का गिराया जाना अपने आप में शीत युद्ध का अंत माना गया। और ये मान लिया गया
कि जो समाजवादी प्रणाली थी वो द्रोहित हो गई है। ज्यादातर समाजवादी जो देश थे उसमें समाजवादी व्यवस्था का अंत हो गया और ये माना गया कि अब जो है विश्व जो अभी तक दो ध्रुवीय था, बायोपोलर था, वो यूनिपोलर की दिशा में चला गया है। अब जो अमेरिका है उसके नेतृत्व में ही जो संपूर्ण विश्व है वो चलेगा और उसकी जो विचार प्रणाली है वो ही अभिभावी रहेगी। हालांकि इसकी एक और अल्टरनेट व्याख्या ये थी कि अब जो विश्व है वो मल्टीपोलर हो गया है, यानी बहुध्रुवीय हो गया है। चाइना एक मेजर पावर के रूप में उभर रहा है, कहीं ना कहीं भारत भी अपना एक विकास कर रहा था और एक शक्ति के रूप में उभर रहा था। बाकी जापान और ब्रिटेन भी इसी रूप में कहीं ना कहीं शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे थे अपने आप को। इस सारे घटनाक्रम को, इस सारे वैश्विक परिदृश्य को थेराइज करने की कोशिश की एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक फ्रांसिस फुकुयामा ने। फ्रांसिस फुकुयामा, जिनकी अभी तक बहुत अधिक ख्याति नहीं थी, उन्होंने 1989 की शुरुआत में शिकागो विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने पहली बार इतिहास के अंत की बात की, एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की। और इसी उनके भाषण को नेशनल इंटरेस्ट के 1989 के समर इशू में प्रकाशित किया गया। उसके बाद फ्रांसिस फुकुयामा रातोंरात चर्चा का विषय बने और उनका जो लेख है उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की। इसी विचार को उन्होंने एक्सटेंड करके 1992 में एक किताब लिखी, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। लेकिन इस एंड ऑफ हिस्ट्री को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ और यही कारण है कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो आज तक भी इसका गलत अर्थ लेते हैं। इवन जो स्कॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट कर जाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि एंड का मतलब क्या है इसमें, हिस्ट्री का मतलब क्या है, और जो लास्ट मैन है ये कौन है और ये क्या है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि फ्रांसिस फुकुयामा अभी जीवित हैं और उन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे शोध संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, अपने भाषणों में लगातार एंड ऑफ हिस्ट्री के विभिन्न आयामों पर खुद से चर्चा की है और ये स्पष्टीकरण दिया है लगातार कि एंड ऑफ हिस्ट्री से उनका आशय क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है। हिस्ट्री का मतलब उनका बिल्कुल भी नहीं है कि ये राजाओं और महाराजाओं के संघर्ष की कहानी है, ये युद्धों की कहानी है, या तो ये केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन मात्र है, बल्कि हिस्ट्री से उनका मतलब एक प्रक्रिया से है और वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक बेटर फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट की सतत रूप से खोज की जाती है। हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस सर्च फॉर ए बेटर फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट, यानी एक बेहतर शासन प्रणाली की सतत खोज है इतिहास। और एंड से उनका आशय ऑब्जेक्टिव या टारगेट से है, ना कि अंत हो जाने से। तो इसका सिंपल मतलब यह है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का उनका आशय यह है कि यहाँ पर इतिहास आकर रुक नहीं जाता है, इतिहास की गतिशीलता ठहर नहीं जाती है, ऐतिहासिक घटनाक्रम बंद नहीं हो जाते हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इतिहास में अतीत काल से लगातार कहीं ना कहीं एक बेहतर शासन प्रणाली की खोज सतत रूप से होती रही है और ये खोज लिबरल डेमोक्रेसी पर आकर रुक गई है, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की उनको लिबरल डेमोक्रेसी पूरा करती है और सर्वश्रेष्ठ ढंग से पूरा करती है। फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी दो आवश्यकताएं होती हैं। पहला है कि वो प्रॉस्पर होना चाहते हैं, यानी संपन्न होना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, चूंकि वो आर्थिक स्तर पर आवश्यक रूप से पूंजीवादी प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम प्रोडक्शन करके जो आर्थिक संपन्नता की बात है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जो मानक है उस पर खरी उतरती है। दूसरी जो आवश्यकता है फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार वो फ्यूमस के कंसेप्ट से जुड़ी हुई है, और फ्यूमस उनके अनुसार मानव मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसके कारण से जो मानव है वो रिकॉग्निशन चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है और डिग्निटी चाहता है। तो फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि इस मामले में भी लिबरल डेमोक्रेसी बहुत बेहतर विकल्प साबित हुई है, क्योंकि जो पहला वाला मानक है यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मानक है, तो उसके मामले में कहीं ना कहीं जो
समाजवादी प्रणालियां हैं, चाहे वो चाइना की प्रणाली रही हो, चाहे वो सोवियत संघ की प्रणाली रही हो, और कई हद तक फासिस्ट जो प्रणालियां हैं प्रोडक्शन के मामले में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के मामले में, वो भी बहुत बेहतर कर सकती हैं, और जैसे सोवियत संघ ने अपने समय में किया भी था। लेकिन जो दूसरा मानक है, तो उदारवादी प्रणाली की ये विलक्षणता है, उसकी ये बहुत मौलिक विशेषता है कि वो व्यक्ति को एक इंडिविजुअल के रूप में उसको डिग्निटी प्रोवाइड कराती है, और वो पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, और उसको एज ए ह्यूमन बीइंग लिबरल डेमोक्रेसी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसा कि जो टोटलिटेरियन सिस्टम्स हैं उसमें नहीं किया जाता है। तो फुकुयामा के अनुसार इन दोनों जो आवश्यकताएं हैं मानव की, ये पूरी होती हैं लिबरल डेमोक्रेसी में, इसलिए ये जो फॉर्म है ये फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट है। फुकुयामा इस बात को लेकर के बहुत सचेत हैं, और ये कहते हैं कि ये जो विजय है लिबरल डेमोक्रेसी की, ये ना तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, जैसा कि पहले डैनियल बेल ने कहा था, और ना ये कन्वर्जेंस है, यानी कि ये मिलाप नहीं है पूंजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली का, बल्कि ये अल्टीमेट ट्रिम्फ है किसकी, लिबरल डेमोक्रेसी की। अब हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, तो फुकुयामा ये कहता है कि एंड ऑफ हिस्ट्री का ये जो फ्रेज है, ये जो मुहावरा है, ये मेरा अपना ओरिजिनल नहीं है, बल्कि इतिहास में पहले बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बोला है, और फ्रांसिस फुकुयामा ये कहते हैं कि मैंने ये मुहावरा हीगल से लिया है। आपको पता होगा कि हीगल ने भी इतिहास के अंत की संकल्पना प्रस्तुत की थी, यानी जब आपने वाद प्रतिवाद और संवाद की उसकी प्रक्रिया पढ़ी होगी, तो वो कहता है कि वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया विचार के स्तर पर लगातार चलती रहती है, और ये प्रक्रिया एक राष्ट्र राज्य पर पहुंचकर जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है, और राष्ट्र राज्य के बाद ये प्रक्रिया ठहर जाती है, क्योंकि वही विश्वात्मा की सबसे बेहतर, सबसे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, जहां पर आ, आ, एक स्टेट है, नेशन स्टेट, और उसमें इक्वेलिटी और लिबर्टी जैसे आइडियल्स निहित हैं। तो हीगल, उसके बाद वो मार्क्स में आती है। आपको पता होगा मार्क्स ने एक सेकुलर वर्जन प्रस्तुत करता है एंड ऑफ हिस्ट्री के कंसेप्ट का। मार्क्स ये कहता है कि मार्क्स मार्क्स के हिसाब से भी आपने पढ़ा हो, तो वो पूंजीवाद तक जो है पांच प्रकार की आर्थिक प्रणालियों की चर्चा करता है। सबसे पहले वो आदिम साम्यवाद की बात करता है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करता है, फिर उसके बाद दासता का युग की बात करता है, फिर उसके बाद सामंतवादी युग की बात करता है, उसके बाद पूंजीवादी युग की बात करता है, फिर वो एक संक्रमणकालीन अवस्था बताता है जिसको वह कहता है सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र, और उसके पश्चात वो ये कहता है कि ये जो है सर्वहारा के अधिनायक तंत्र के पश्चात एक क्लासलेस और स्टेटलेस, यानी कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, जिसमें एक ही वर्ग होगा, और वो वर्ग कौन होगा, श्रमिक होगा, और चूंकि एक ही वर्ग में सब लोग आ जाएंगे, इसलिए किसी प्रकार का कोई शोषण, किसी प्रकार का कोई स्टेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो मार्क्स के अनुसार यदि हम देखें, तो हिस्ट्री का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी, यानी वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें, तो जो एंड की जो संकल्पना है, उद्देश्य की जो संकल्पना है, तो मानव जीवन के संबंध में क्या कहा गया है हिंदू धर्म में, इसमें कहा गया है कि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष। तो ये एंड है। और यदि गांधियन पर्सपेक्टिव से हम लोग इस कंसेप्ट को देखें, तो एंड ऑफ हिस्ट्री वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो दार्शनिक अराजकतावाद है, या राम राज्य की जो स्थापना है, वह एक एंड पॉइंट है हिस्ट्री का, उसके बाद हमें किसी बेटर ह्यूमन गवर्नमेंट को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइबल के हिसाब से यदि हम देखें, तो ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है बाइबल, उसमें जो गार्डन है ईव का, उससे इतिहास की शुरुआत होती है, और किंगडम ऑफ गॉड के साथ ये समाप्त हो जाता है, हिस्ट्री का एंड हो जाता है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना नई नहीं है, इसको हम अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्वानों के साथ जुड़ी हुई देख सकते हैं। तो ये है एंड का मतलब और हिस्ट्री का मतलब। अब बचता है लास्ट मैन का कंसेप्ट। तो ये लास्ट मैन क्या है, लास्ट मैन बहुत कंफ्यूजिंग सा लगता है, हम लोग भी अभी तक इसको खोजते रहे। अब मैंने फुकुयामा को ऑनलाइन सुना है, आप भी फुकुयामा के बहुत सारे लेक्चर्स एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में, पॉपुलिज्म के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, बहुत सारे यूट्यूब पर
हैं अपलोड, आप उनको जाकर सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो लास्ट मैन का कंसेप्ट होकर हम कहते हैं कि ये मैंने नीचे से लिया है। और लास्ट मैन का मतलब क्या है कि वो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ना तो कोई प्राइड है, ना एंगर है, ना कोई एस्पिरेशन है, ही हैज पीस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके पास पीस है, सिक्योरिटी है और प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि उसके अंदर एंगर क्यों नहीं है, उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, प्राइड क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी सभी आवश्यकताओं का, उसकी सभी जो भी इच्छाएं हैं उनका ख्याल रख लिया गया है। किस व्यवस्था के माध्यम से? लिबरल डेमोक्रेसी के माध्यम से। तो एंड जो लास्ट मैन का कंसेप्ट है वो ये है। अब हम थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। तो फुकुयामा ये कहता है कि ये जो ट्रिम्प है, ये जो विजय है उदारवादी लोकतंत्र की, उदारवादी प्रणाली और मुक्त बाजार की, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से सीधा विजय हो गई है, बल्कि इतिहास में यदि हम जाकर देखेंगे तो 20वीं शताब्दी में यदि हम देखें, बहुत सारी प्रणालियां इसकी कॉम्पिटिटर रही हैं। वो एब्सोल्यूटिज्म भी इसका कॉम्पिटिटर रहा, बोल्शेविज्म रहा, फासिज्म रहा, और फाइनली मार्क्सिज्म इसका कॉम्पिटिटर रहा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग लगातार ये कहते रहे। फुकुयामा खुद कहता है कि 150 वर्षों तक लगातार लोग कहते रहे कि अब जो है जो मार्क्सवादी व्यवस्था है वही विश्व को डोमिनेट करेगी। लेकिन फुकुयामा ये कहता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मेरा इस संबंध में विचार ये है कि अल्टीमेट ट्रिम्प हुई है लिबरल डेमोक्रेसी की। तो इतनी सारी जो व्यवस्थाएं रही समय समय पर, फासिस्ट प्रणाली के तौर पर आप इटली में मुसोलिनी का और जर्मनी में हिटलर के शासन को देख सकते हैं, मार्क्सिस्ट व्यू पर आधारित जो सोवियत संघ की और उसके नेतृत्व में बहुत सारे देशों की शासन प्रणालियां उसको देख सकते हैं। तो ये सब कॉम्पिटिटर रही लिबरल डेमोक्रेसी की, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी ने अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताओं के कारण इन सब के ऊपर विजय पाई है। लेकिन फुकुयामा इस बात को लेकर बहुत सतर्क है। वो कहता है कि ये अभी जो ट्रिम्प हुई है, ये जो विजय हुई है, ये वैचारिक स्तर पे है, ये अभी मेटीरियल स्तर पे लानी बाकी है, और वो आसान्वित है इस बात को लेकर कि धीरे धीरे जो बाकी मतलब कंट्रीज हैं उनमें भी लिबरल डेमोक्रेसी पॉपुलर होगी। वो तो ये तक कहता है कि चाइना है और जो सोवियत संघ है, मतलब उसमें भी मुक्त बाजार पर आधारित उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसका चलन बढ़ा है। हम देख सकते हैं कि चाइना में भी जो बहुत सारे रंगीन टेलीविजन्स और बहुत सारे पॉप सॉन्ग्स, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स और ऐसी मूवीज जो वेस्ट की हैं वो वहाँ पर लोकप्रिय हुई हैं। सोवियत संघ में भी ऐसा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर कल्चर है उसका चलन सोवियत संघ में भी बढ़ा है। तो धीरे धीरे इनमें भी इस व्यवस्था का चलन बढ़ा है। लेकिन फुकुयामा ये कहता है कि अभी कुछ सीरियस जो अल्टरनेटिव्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के, वो चाइना है, जो कि उसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ अर्जित की है एक टोटलिटेरियन सिस्टम के अंतर्गत रहते हुए। सोवियत संघ इतना टोटलिटेरियन सिस्टम नहीं है जितना चाइना है, लेकिन फुकुयामा उसको भी टोटलिटेरियन सिस्टम के अंतर्गत ही रखता है। वो कहता है कि वहां पर चुनाव होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो केवल एक प्रोसीजर पूरा करने के लिए होते हैं, वहां पर कोई सब्सटेंटिव विकल्प नहीं होते हैं मतदाताओं के पास चुनने के लिए। तो वो ये कहता है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं एक मतलब अल्टरनेट के रूप में बचे हुए हैं, लेकिन जो अंततः जो प्रभावी होगी जो प्रणाली वो लिबरल डेमोक्रेसी ही होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी आलोचना कहां कहां से हुई है। तो इसकी सबसे जो तार्किक आलोचना की है एक थियरी के या कंसेप्ट के स्तर पर ही, वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने की है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सैमुअल पी हंटिंगटन इनके फुकुयामा के टीचर भी रहे और इनके फ्रेंड भी रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री है लिबरल डेमोक्रेसी की, जो विजय है, ये एक इंसिडेंट है। ऐसा नहीं कि ये तार्किक परिणाम है किन्हीं घटनाओं का, बल्कि ये एक इंसिडेंट है। शीत युद्ध का अंत हो जाना का मतलब ये नहीं है कि संघर्ष नहीं होंगे, वो एक नया विचार देता है जिसको हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के नाम से जानते हैं, जो एक प्रतिक्रिया के रूप में आया एंड ऑफ हिस्ट्री के कंसेप्ट के। 1993 में उनका भी एक लेख छपा था और उसमें उन्होंने इसकी बात की थी। फिर 1996 में उन्होंने एक अपनी विस्तृत किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने ये इस विचार को दिया कि अब जो संघर्ष होंगे भविष्य में, जो संघर्ष होंगे वो
विचारधारा के आधार पर नहीं होंगे, वो किसी राजनीतिक प्रणाली के आधार पर नहीं होंगे, बल्कि अब कल्चर्स के बीच, सभ्यताओं के बीच संघर्ष होंगे। कह रहा कि विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं जिनके बीच अब हमको टकराव देखने को मिलेंगे भविष्य में। कह रहे कि हमेशा कोई ना कोई एक जो सिविलाइजेशन है वो डोमिनेंट रहेगी, और फिर वो अपने हिसाब से अपने तरीके की शासन प्रणालियां भी स्थापित करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये एकदम से मतलब हमेशा प्रभावी रहेगी, बल्कि जो कल्चर जो डोमिनेट करेगी अपने समय में वो अपने हिसाब की राजनीतिक प्रणाली भी स्थापित करेगी। तो दूसरा, खुद फुकुयामा ने भी इसके जो मुख्य ऑब्स्टेकल्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के मार्ग में, जो मुख्य बाधाएं हैं, उनकी चर्चा की है, और वो चार ऐसी मुख्य बाधाओं की बात करता है। पहला, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पहला जो मुख्य ऑब्स्टकल है वो वहां से आता है, वो लिबरल डेमोक्रेसी की संस्थाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ओसामा बिन लादेन यद्यपि अभी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों ने जो निरंकुश शासक हैं एक तरीके से, जो अपने ही तरीके से शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी की जो इंस्टीट्यूशन हैं उनका एस्टेब्लिश होना और उनका फंक्शन करना बहुत मुश्किल है। और चूंकि ये संख्या में भी अपने आप में बहुत नगण्य नहीं है, तो इसलिए एक ऑब्स्टकल जो है वो इस्लाम की तरफ से आता है। दूसरा है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसमें अभी लोकतांत्रिक संस्थाएं विकसित नहीं हो पाई हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है, और इसको हम लिबरल डेमोक्रेसी के मार्ग में एक और बाधा के रूप में देखते हैं। तीसरा है पावर्टी। पावर्टी एक बड़ा मुद्दा है, और लिबरल डेमोक्रेसी की संस्थाओं ने यद्यपि इसको एड्रेस किया है लगातार, लेकिन फिर भी इसको एलिमिनेट करने में, इसको बहुत सब्सटेंटिवली कम करने में लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और लिबरल डेमोक्रेसी सफल नहीं हो पाई है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लिबरल डेमोक्रेसी के मध्य संबंध को खोजने की कोशिश की है फ्रांसिस फुकुयामा ने, लेकिन वो ये मानता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो स्टेट है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि स्टेट के माध्यम से ही जो सर्टेन लॉ एंड ऑर्डर है, जो बाह्य आक्रमण है उनसे रक्षा है ना, जो सर्विसेज को पहुंचाने की बात है लोगों तक, वो स्टेट के माध्यम से ही संभव हो सकती है। तो पावर्टी एक तीसरा ऑब्स्टकल है, और चौथा ऑब्स्टकल है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपने आप में कोई बाधा प्रस्तुत नहीं करती है, लेकिन जब उसके दुरुपयोग की बात आती है, जब उसके गलत प्रयोग की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो एक बाधा प्रस्तुत करती है। फुकुयामा कहता है कि टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, क्लाइमेट चेंजेस की समस्या, और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की समस्या, और बायो वार की समस्या एक नई आयाम को, एक नई बात को जन्म देती हैं, और ये चारों चीजें एक बाधा के रूप में आती हैं लिबरल डेमोक्रेसी के मार्ग में। म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी एक भाषण में उन्होंने पॉपुलिज्म के ऊपर चर्चा की है, और उन्होंने बताया कि जो पॉपुलिज्म है वो बहुत ठीक नहीं है लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए। उसमें कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करता है वो चुनके ही आता है जनता से, लेकिन वो अपनी लोकप्रियता के दम पे जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम करके आंकता है, उनको इतना महत्व नहीं देता है। और वो तो डोनाल्ड ट्रंप के विषय में भी अभी लेटेस्ट अपने एक भाषण में उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए तो उन्होंने जो लिबरल डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर पे चेक एंड बैलेंसेस करती हैं, जो उस पे नियंत्रण और संतुलन करती हैं, उनको भी अंडरमाइन करना शुरू किया है, जो बहुत ठीक नहीं है लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। इसी श्रेणी में, इसी सीरीज में उन्होंने भारत में नरेंद्र मोदी सरकार का भी नाम लिया है। तो पॉपुलिज्म एक सकारात्मक चीज नहीं है फुकुयामा के हिसाब से लिबरल डेमोक्रेसीज के लिए। अब हम अंत में फुकुयामा ने जो कुछ लाइनें बोली हैं उनको एज इट इज देखते हैं थोड़ा सा, उस हिंदी ट्रांसलेशन मैंने उसको करने की कोशिश की है। तो कह रहा है कि जो हम देख रहे हैं वो केवल शीत युद्ध का अंत नहीं है, और ना ही वो किसी इतिहास के कालखंड का बीत जाना मात्र है, बल्कि दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। लेकिन वो कहता है कि ये जो उदारवाद की जीत है ये अभी विचार जगत में आई है, मेटीरियल वर्ल्ड में इसको आना अभी बाकी है, लेकिन इसके ठोस कारण मौजूद हैं कि ये मेटीरियल वर्ल्ड में भी जल्द ही आ जाएगी।
तो ये था एंड ऑफ हिस्ट्री का कंसेप्ट। आप लोग जब इसको आप समझेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा समझना आपको आसान हो जाएगा। इसमें जो भी बातें छूट गई हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जल्दी हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप दूसरा लेक्चर किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।